अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में मैं आपके साथ बाइनरी सब्ट्रैक्शन डिस्कस करूंगा कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो आइए उसके रूल्स देखते हैं और उस पर दो तीन प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हम इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। इसके लिए रूल्स है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो अगर हम इससे स्टार्ट ले लें तो इससे ज़ीरो आ जाता है। इसी तरह वन माइनस ज़ीरो से वन आता है, ज़ीरो माइनस वन से वन आता है, और इसी तरह वन माइनस वन जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो सिंपल रूल है, सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो इधर है, इधर आता है विद अ बोरो ऑफ वन। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह आता है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो। इसको सॉल्व करते हैं, वन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। इसी तरह ज़ीरो माइनस वन, तो अब ज़ीरो से तो वन माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको बारो की ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट डिजिट जो है इससे लेंगे, लेकिन ये ख़ुद ज़ीरो है, इसके पास ख़ुद नहीं है, तो किस तरह हम इससे बारो लेंगे। तो वर्ग इस तरह करेंगे कि इसको इधर लाएंगे। तो अब इसका वेट जो है ये टू बन जाता है, यानी कि इसका जो वेट है ये टू बन जाता है। इसको अगर हम परफॉर्म करें तो टू माइनस वन इधर वन आएगा। ठीक है, तो इस टू से हम एक को इधर ले आते हैं, तो अब इसका वेट जो है ये टू बन गया। तो इसका वेट जो है टू बन जाता है, इससे एक इधर लेके आएंगे, वन इधर आ गया, तो इसका अब प्लेस वैल्यू जो है टू बन जाता है। तो टू माइनस वन या ये इस तरह आप लेके इस तरह बन जाता है ये। तो एक वन जो है इसके साथ कैंसिल कर दें और वन जो है ये रह गया हमारे पास। इसी तरह उसका जो वन वन था, तो इससे एक वैल्यू तो इधर आ गया था। ठीक है, तो अब इधर भी एक वन रह गया है, तो वन माइनस वन, तो ये वंस अगेन ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, और इधर जो है वन था, वन इधर गया है, तो इधर ही ज़ीरो आ गया, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो। अगर आपको अब भी डाउट है कि मेरा क्वेश्चन जो है ठीक है या नहीं है, तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दूं कि इसको भी डिसिमल में लेके जाएं, इसको भी डिसिमल में लेके जाएं, और सिंपल जो जनरल सब्ट्रैक्शन है उसको परफॉर्म करें। अगर इसका रिजल्ट सेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है जो है गलत है। तो इसको हम वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन, इसको वन टू फोर एट एंड सिक्सटीन, तो एट सिक्सटीन को प्लस करें, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बन जाता है। ठीक है, ट्वेंटी फाइव बन गया ये, और इसको वन टू फोर एट सिक्सटीन, तो इसमें इसको ऑन करें, इसको ऑन करें, इसको ऑन करें, नहीं इसको नहीं, इसको ऑन करें, तो टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स और सिक्सटीन जो है, सिक्स एंड सिक्सटीन ही ट्वेंटी टू बन जाता है, 22। तो 25 से 22 को निकाल के इधर हमारे पास बचता है तीन। अब इधर आ जाएं, वन टू फोर एट सिक्सटीन, तो सिर्फ ये ऑन है। ठीक है, मतलब वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, तो ये डेसिमल में थ्री के बराबर है, ये डेसिमल में 25 के बराबर है, ये डेसिमल में 22 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, मतलब ये 25 के बराबर, 25 से 22 को निकाल के हमारे पास क्या बचता है, तीन। मतलब अगर ये ऑपरेशन हम डेसिमल में भी परफॉर्म करें तो हमारे पास वही तीन आ जाता है। जिस तरह हमने बाइनरी में, ये हमारे पास बाइनरी डिजिट है, ये हमारे पास बाइनरी डिजिट है, सिंपल हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, हमारे पास एक बाइनरी रिजल्ट आ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़ीरो माइनस वन, बारो की ज़रूरत है, तो इससे एक बारो इधर लेके आएंगे, इसका वेट जो है टू बन जाएगा, यानी कि इस तरह बन जाएगा ये। ठीक है, तो एक वन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वन माइनस वन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया एक वन, तो इसको हम
नीचे लाएंगे। अब ये वन जो है ये ज़ीरो बन चुका है, क्योंकि इसका वन जो है ये बारह हो चुका है इधर ज़ीरो के साथ। तो अब ज़ीरो माइनस ज़ीरो इसका आंसर है ज़ीरो, वन माइनस वन भी ज़ीरो आता है, वन माइनस ज़ीरो वन आता है जब, और वन माइनस वन जो है ये भी ज़ीरो आता है। तो ये सिंपल सा अर्थमेटिक हमने परफॉर्म की बाइनरी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे बिल्कुल खुल के आप जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रही है या उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे वॉइस भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इवन आप जो सॉल्व क्वेश्चन है उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं।